शहर थाना इलाके में दहेज की मांग पूरी ना होने पर एक 24 वर्षीय विवाहिता की मारपीट कर हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने मामले में ससुराल पक्ष के 4 नामजद लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज कर लिया है। मेरा नाम वीरपाल है जी और मेरी लड़की यहाँ रामबाग कॉलोनी में रोहित सनोप सरबजीत इनके शादी हुई थी लड़के की 25 फरवरी 2020 को। अब कल ऐसे था, मेरे पास लड़की का फ़ोन गया था 4:18 पर। पिता जो कह रही लड़की, पापा मेरे को कर रहे हैं टॉर्चर। तो मैंने कहा कोई बात ना बेटे, ठीक है हम देख लेंगे शाम को, कोई बात नहीं। तो अब तो फिर उसके बाद उसने अपनी मम्मी को भी 6:45 पर फ़ोन कराया था शाम को, जबकि कोई ऐसी बात नहीं थी लड़की का, भाई ये कांड हो जाए। उन्होंने क्या काम करा, चारों ने मिलकर लड़की को 7 बजे के बाद उन्होंने माफ की। क्या पीटने के बाद जैसे भी ये है रोहित सनोप सरबजीत, इसका पापा सरबजीत, एक इसकी माँ सुमित्रा है, क्या है, एक गीता इसकी पुत्री सरबजीत की, रोहित की बहन, इन्होंने चारों ने इन्हें मिलकर लड़की को अच्छी तरह खूब पीटा है और इन पर हो गई उन्होंने डेथ। डेथ होने के बाद इन्होंने मेरे को 7:58 पर चंडीगढ़ फ़ोन कराया था सरबजीत के नंबर से, पड़ोसी ने बात करी थी, कोई बलवीर फौजी है क्या, उसने एक फौजी है, उसने फ़ोन कराया था जी आपकी लड़की बहुत ज़्यादा सीरियस है और आप जल्दी आ जाओ पलवल। तो मैंने कहा भाई एक्चुअल में आप वास्तव में स्थिति बताओ क्या है लड़की की, एक्चुअल में ज़्यादा सीरियस है को मार दी है। तो वो कहने लगे ना जी लड़की की डेथ हो चुकी है। तो फिर मैं तो चंडीगढ़ था, मैंने अपने चाचा ताऊ भाई भतीजे और मैंने अपनी मिसेज और मेरी भाभी हैं, मैंने उनको भेजा था। और जब ये गए थे वहाँ तो पहले 100 नंबर पर पुलिस को फ़ोन कराया था, लेकिन उनके घर कोई नहीं मिला, इनमें से सारे भाग गए थे। इन्होंने कुल मिला के ये है मेरी लड़की का मर्डर किया। और मेरे को आपसे अनुरोध है कृपा मेरे को न्याय दिलाया जाए जिससे मेरी लड़की की आत्मा को संतुष्टि मिले। क्या कारण है, किस वजह से आपकी बेटी दहेज की वजह से? सारा चक्कर है जी दहेज, क्योंकि ये टॉर्चर करते हैं। इनको हमने शादी में, जब शादी नज़दीक आई थी तो इन्होंने 5 लाख रुपए की मांग करी थी, 5 लाख हमने वो जैसे तैसे करके किसी से दे दिए थे। उसके बाद ये कर रहे हैं हमें और 5 लाख रुपये चाहिए, स्विफ्ट डिजायर या दूसरी गाड़ी हमें दी जाए बड़ी। तो मैं इसकी मांग इनकी पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि अपनी इसने लड़की की शादी करी है तो उसका खर्चा ये हम पैसे निकालना चाहे, भैया हम पे इतना लैंडलॉर्ड तो हम आदमी है नहीं। हम अपना जैसे ही अपना कोई नौकरी कर रहे हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, तो इससे हमें न्याय दिलाया जाए। हाँ सर बताओगे, एक मामला सामने आया, क्या मामला की मौत हुई, क्या मामला है? रात को हमें सूचना मिली थी कि कोई लड़की है निशा नाम की, उसकी मौत हो गई है, अपना फांसी लगा ली। उसके बाद रात को डेड बॉडी यहाँ हॉस्पिटल रखवा दी और अभी सुबह हमें शिकायत प्राप्त हुई है। तो उनके जो लड़की के घर वाले हैं उन्होंने जो शिकायत दी है उसमें यह है बताया कि वो दहेज की मांग करते थे, उसके जो पति और सासू ससुर थे मांग करते थे, उस संबंध में उन्होंने एक कंप्लेंट दी है, इस वजह से उनकी मौत हो गई। तो इसलिए कंप्लेंट उस पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है और अभी फिलहाल डेड बॉडी मोर्चरी में रखी है, पोस्टमार्टम करा। क्या पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? मुकदमा दर्ज कर दिया है इसमें, जिनके खिलाफ जो उसके ससुर और पति और जो परिवार के हैं उनके खिलाफ जो नाम दिए हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके और उसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवा रहे हैं। बहुत से क्या मुकदमा दर्ज किया है? दहेज हत्या का।